तो आज से स्टार्ट करो, छोटी छोटी बैटल्स जीतो, आप उस दिन एक बड़ी वॉर जीत जाओगे। आपको अब फोकस होना है कि यार रिजल्ट कैसे आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, छोटी छोटी बैटल्स जीतेंगे और उससे आप एक बड़ी वॉर जीत जाएंगे। और उस बड़ी वॉर के लिए बेटा अभी टाइम बहुत है, लेकिन तैयारी भी बहुत है। बिल्कुल नहीं घबराएंगे, नया पैटर्न आया क्या आया उसको मत लेके चलो, सिर्फ एक चीज है, सिलेबस पूरा करो। तो मैं दोबारा रिपीट करूंगा, एनसीईआरटी नहीं छोड़नी है आपने, आपके पास प्रैक्टिस असाइनमेंट्स ऑलरेडी है उनको बनाओ, तो डेफिनेटली बेटा आप अच्छा स्कोर करोगे उसमें। क्योंकि हम ये समझते हैं कि किसी बड़ी वॉर को जीतने के लिए मुझे छोटी छोटी बैटल्स जीतनी है। तो आज से स्टार्ट करो, छोटी छोटी बैटल्स जीतो, आप उस दिन एक बड़ी वॉर जीत जाओगे। आप वॉर की तैयारी बिना बैटल जीते नहीं कर सकते। आप में से बहुत सारे अभी उस सिचुएशन में हो जो बड़ी वॉर जीत सकते हो, और उस बड़ी वॉर को जीतने के लिए इस तरीके से छोटी छोटी बैटल के लिए हर फ्रंट में अपने आप को तैयार कर लो। स्कोर करने की कोशिश करो, ओवर करने की कोशिश मत करो। आपको धीरे धीरे रिसोर्सेज रिस्ट्रिक्ट करते हुए आना है। अब एक डाउट बच्चों को रहता है कि नोट्स ज्यादा पढ़ना है कि मुझे एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर आपने नोट्स को 5-6 बार पढ़ा हुआ है तो आपको याद है वो, तो उनका भी एक्सट्रैक्ट आप निकालना चाहो निकाल सकते हो, पर वो आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। इन पॉइंट्स को कहीं एक पेज में अपना नोट कर लेना, इनको भी देखना आपने। और नोट्स आप खाली पलट के आपको याद आ रहा है, मेन पॉइंट्स पे आपने मार्कर लगा रखा होना चाहिए या आपने बॉक्स बना रखे हैं, उन्हीं को बार बार देखे जा रहे हो। और एनसीईआरटी रिवाइज करनी है, मेन पॉइंट्स पे लाइन कर रखी है, जैसे भी उनको बार बार आप याद कर रहे हो। ये एक तरीका होगा जिस तरीके से आपको उस दिन एनसीईआरटी बेटा दिखनी चाहिए। क्लियर? अब बहुत ज्यादा मेरे से पूछो क्वेश्चंस लगाओ, ने कैसे मालूम है एक चैप्टर के फिर 500 क्वेश्चन लगाओ, नहीं लगाओ। ठीक है, फर्स्ट लगा लो, थर्ड लगा दो, ऑड क्वेश्चन लगा लो, इवन क्वेश्चन लगा लो, सिलेक्टेड आप बुक्स बना सकते हो, तो वो आपको देखना है। आप यहां से आपको अब फोकस होना है कि यार रिजल्ट कैसे आएगा। तो रिजल्ट आने के लिए बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं चाहिए, छोटी छोटी बैटल्स जीतेंगे और उससे आप एक बड़ी वॉर जीत जाएंगे। और उस बड़ी वॉर के लिए बेटा अभी टाइम बहुत है, लेकिन तैयारी भी बहुत है। क्लियर है? तो बिल्कुल नहीं घबराएंगे, नया पैटर्न आया क्या आया उसको मत लेके चलो, सिर्फ एक चीज है, सिलेबस पूरा करो। अगर आप ऐसे जाओगे 30% और 40% ऐसे, तो आपका नुकसान होगा, बिकॉज नीट के एग्जाम की कट ऑफ ज्यादा होती है। तो परेशान मत हो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। ये सब मिथ है कि पेपर मुश्किल आएगा, पेपर नॉर्मल ही आने वाला है जैसा आपका आता रहा था। ठीक है, तो प्लीज पढ़ाई करिए। ठीक है, और हम बेटा इस चीज को आपको बताते हैं कि प्लीज पढ़ाई करिए और एनसीईआरटी रिवाइज करिए। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच।